लूका अध्याय 10 उसकी 18 आयत में यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। बाइबल बताती है कि लूसीफर के पाप के कारण उसे धरती पर फेंका गया। एक अभिषिक्त स्वर्ग दूत, परमेश्वर की आराधना करने वाला दूत, धरती पर गिरा दिया गया। अब धरती तबाह हो चुकी थी। अगर आप उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी 1 आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की, पर 2 आयत में लिखा कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने पृथ्वी बेडोल नहीं बनाई थी। उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी 1 आयत में परमेश्वर ने सब कुछ सुंदर बनाया था, पर उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी 1 आयत और 2 आयत के बीच वो समय था जब लूसीफर को धरती पर गिराया गया और तब धरती तबाह हुई, बेडोल हुई। पर फिर एक दिन परमेश्वर धरती पर आता है और सब कुछ दोबारा से बनाना शुरू करता है। 3 आयत में लिखा, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और इस तरह परमेश्वर बोलता गया और सब कुछ होता गया। परमेश्वर ने पेड़ पौधे फलदायी वृक्ष सूर्य चंद्रमा तारागण को भी बनाया। फिर परमेश्वर ने जल में रहने वाले जीवित प्राणियों को बनाया, पक्षी घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु हर प्रकार के जानवरों को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि सब अच्छा है। और 6वें दिन परमेश्वर धरती पर घूम रहा है और जरा सोचो कि शैतान बोला होगा कि हाँ अब कौन तेरी आराधना करेगा, कौन तेरी स्तुति करेगा, कौन तुझे महिमा देगा, कौन है तेरा वर्शिप लीडर। अब परमेश्वर नीचे झुका और उसने अपनी मुट्ठी में मिट्टी उठाई और एक मिट्टी का पुतला तैयार किया और उसमें अपनी सांस फूंकी और कहा, ये ले, ये है मेरा नया वर्शिप लीडर, ये मेरी आराधना करेगा। परमेश्वर ने कहा, मेरे पास मेरी आराधना करने वाले लोग हमेशा रहेंगे, जो मेरी महिमा करेंगे, मेरी स्तुति आराधना करेंगे, जो मुझे पुकारेंगे और मैं उन्हें उत्तर दूंगा। और हाँ सुन, ये मिट्टी का पुतला जिसमें मैंने अपनी सांस को फूंका है, जिसमें मैंने अपनी आत्मा को फूंका है, ये तेरा सर कुचलेगा। और आज भी परमेश्वर ढूंढता है उन सच्चे आराधकों को, उन ट्रू वर्शिपर्स को, जो परमेश्वर की महिमा उसकी स्तुति आराधना करें और शैतान को शर्मिंदा करें। शैतान यानी लूसीफर हमेशा से चाहता था कि सब परमेश्वर को छोड़कर शैतान की आराधना करें। मत्ती अध्याय 4 उसकी 8 आयत में लिखा, फिर इबलीस यानी शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, मेरी आराधना करे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान को अपनी आराधना करवाने की इतनी धुन सवार है कि उसने परमेश्वर के बेटे तक को भरमाना चाहा कि तू गिरकर मेरी आराधना कर। शैतान पहले एक अभिषिक्त स्वर्गदूत था, वो एक वर्शिप लीडर था, पर उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। और आज शैतान का यही मकसद है कि आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोका जाए। शैतान का पहले भी यही मकसद था कि किस तरह दूसरों से अपनी आराधना करवाई जाए, और आज भी इसी काम में वो जुटा हुआ है और आने वाले समय में भी वो यही काम करेगा। इसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसकी 4 आयत में लिखा, लोगों ने अजगर की पूजा की यानी शैतान की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। ये सब भविष्य के बारे में लिखा है कि भविष्य में शैतान के लोग पशु की पूजा करेंगे। पशु यानी बीस्ट, जिसकी छाप लोगों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर आने वाले समय में लगाई जाएंगी। जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकलकर कनान देश को जा रहे थे तो रास्ते में लाल समुद्र आता है, उनके पीछे मिस्र देश की सेना खड़ी थी और सामने लाल समुद्र था, पर परमेश्वर ने उस समुद्र को 2 भाग किया और इजरायली लोग सूखी जमीन पर से उस लाल समुद्र को पार करके चले गए। अब जब मिस्र देश की सेना उनका पीछा करते हुए लाल समुद्र में से गुजरती है तो समुद्र फिर से बंद हो जाता है और सारी सेना पानी में बह जाती है। उस समय मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया कि यहोवा महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। और इसी भजन में वे ये भी कहते हैं कि हमारे परमेश्वर के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और अंत के समय में शैतान भी इन्हीं शब्दों से लोगों द्वारा अपनी आराधना करवाएगा और वो कहेंगे कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। शैतान हर उस आराधना को, हर उस महिमा को जो परमेश्वर को दी जाती है उसे लेना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करें,
वो नहीं चाहता कि आपके बच्चे परमेश्वर की आराधना करें। जरा सोचो कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और शैतानी लोग शैतान की आराधना कर रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। और परमेश्वर अपने दूतों से कहेगा, माइकल जरा मेरी तलवार तो लेकर आ। और परमेश्वर उस पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता को आग की झील में डालेगा और बाकी बचे सब शैतानी लोगों को अपनी तलवार से नष्ट करेगा और शैतान भी अंत में आग की झील में डाल दिया जाएगा, जहां पर वो रात दिन पीड़ा में युगानुयुग तड़पता रहेगा। शैतान को अगर किसी चीज से जलन होती है तो वो आपको परमेश्वर की आराधना करते देखकर होती है, क्योंकि वो एक समय पर परमेश्वर की आराधना करता था। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके शरीर को भी एक साज ही बनाया है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बनाया है। जिस तरह लूसीफर के शरीर के अंदर फूंक मार कर बजाने वाले साज थे, परकशन वाले साज थे, उसी तरह परमेश्वर ने इंसान के शरीर को भी एक साज की तरह बनाया है। आपके हाथ, आपकी आवाज एक साज ही हैं। आपके गले के अंदर कॉर्ड्स हैं, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। ऐसी कोई आवाज नहीं है जो इंसानी शरीर निकाल नहीं सकता। अगर आपने बीट बॉक्सिंग एकापेला करते लोगों को देखा हो तो आपको ये पता होगा कि उन लोगों को किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, किसी साज की जरूरत नहीं पड़ती। हर आवाज, चाहे वो बेस हो, स्नेर, हाई हैट, सिंथ हो, हर साज की आवाज वो अपने शरीर का इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं। इंसान को इसीलिए बनाया गया था ताकि वो परमेश्वर की आराधना करे, वो परमेश्वर की वर्शिप करे। क्यों आज वर्शिप टीम में शैतान अटैक करता है? क्यों शैतान वर्शिप करने वालों के पीछे लगा रहता है? क्योंकि वो जलता है जब कोई परमेश्वर की वर्शिप करता है। वो शर्मिंदा होता है, उसकी बेइज्जती होती है, क्योंकि वो अपनी पदवी, वो अपनी ड्यूटी गवा चुका है और वो हमें उस पदवी पर देखकर सड़ता है। अगर आप एक वर्शिपर हैं तो संभल कर चलना अपनी मसीही जिंदगी में, क्योंकि शैतान हर समय अवसर ढूंढता है कि कब किसी वर्शिपर को पाप में गिराए। और सबसे बड़ा हथियार जो शैतान इस्तेमाल करता है वो है व्यभिचार, लड़के लड़की को आपस में फंसा कर उनकी जिंदगी तबाह करना। वो लड़के लड़कियों को गलत रिलेशनशिप्स में, गलत संबंधों में फंसा कर उनकी जिंदगी तबाह करता है। बड़े बड़े वर्शिप लीडर गिर गए क्योंकि वो व्यभिचार में पड़ गए। याद रखें, आपको इसीलिए बनाया गया ताकि आप परमेश्वर की आराधना करें। हालात जैसे मर्जी हों, परमेश्वर की वर्शिप करना ना छोड़ें। आपको क्या लगता है कि पौलुस और सिलास जेल में बंद आराधना क्यों कर रहे थे? क्या वो अपने छुटकारे के लिए वर्शिप कर रहे थे? नहीं, वो अपने छुटकारे के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर से प्यार करने की खातिर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे। हर चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। भजन संहिता अध्याय 22 उसकी 3 आयत में लिखा कि परमेश्वर इज़राइल की स्तुतियों के ऊपर विराजमान है। परमेश्वर स्तुति आराधना में रहता है। जहाँ जहाँ वर्शिप आराधना होगी, वहाँ वहाँ परमेश्वर की हजूरी होगी, और जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ पर छुटकारे और चंगियाइयाँ होती हैं। जब पौलुस और सिलास वर्शिप करने लगे तो परमेश्वर को उनके बीच जेल में आना पड़ा। जब परमेश्वर उस जेल में उतरा तो उनके बंधन खुल गए। इसके लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी कि परमेश्वर हमें छुड़ा, क्योंकि अगर उन्होंने जेल से रिहाई के लिए प्रार्थना की होती तो वो जेल के दरवाजों के खुलने पर वहाँ पर खड़े नहीं रहते, बल्कि झट से भाग जाते। पर वो कहीं नहीं गए और आराम से अपनी जेल के कमरे में बैठे रहे। आज लोग चाहते हैं कि वो अपनी समस्याओं से आजाद हों, अपनी बीमारी से चंगे हों, उन्हें प्रमोशन मिले, पैसे में बरकत आए, कारोबार में तरक्की मिले, बच्चे की आशीष मिले, पर वो आराधना नहीं करते और इसीलिए उनके जीवन में आशीष नहीं आती, छुटकारा नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर उन्हें नहीं बल्कि वर्शिपर्स को ढूंढता है। अगर आप वर्शिप नहीं करते तो आप प्रॉफिट नहीं बन सकते, पास्टर नहीं बन सकते, आप एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप एक सफल पति, पत्नी, पिता नहीं बन सकते। अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को ऊंचे लेवल पर देखना चाहते हैं, तो ये वर्शिप किए बिना नहीं होगा। एक स्टूडेंट अगर परमेश्वर की वर्शिप नहीं करता तो वो कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। वर्शिप आपकी लाइफ को बिना वजह के संघर्ष से आजाद करती है। छोटे छोटे आम लोग जब वर्शिप करते थे तो बाइबल बताती है तो वो प्रोफेसी करने लग जाते थे, वे भविष्यवाणियां करने लग जाते थे। दाऊद जो भेड़ बकरियां चराता था,
वो ही राजा क्यों बनाया गया? क्योंकि वो एक वर्शिपर था। परमेश्वर ने उसे ढूंढा और उसे राजा बनाया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ढूंढता है सच्चे आराधकों को, ट्रू वर्शिपर्स को, ताकि परमेश्वर उन्हें ऊंचा करे, ताकि वे उसकी महिमा करें और वे शैतान को शर्मिंदा करें। एक बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर आप वर्शिप नहीं करेंगे, तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अगर चाहते हैं कि जिंदगी धरती पर स्वर्ग जैसी हो, तो प्रार्थना और वर्शिप करना ना छोड़ो। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन से जुड़े गहरे भेदों की वीडियोस को देखने के लिए होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में या QR कोड के जरिए भी हमें अपनी डोनेशंस भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।